हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने नए मेहमान बजीज से मिलवाया था और साथ में ये भी दिखाया था कि उनको उनका सेटअप क्या है, उनको किस पिंजरे में मैंने सेट कर रखा है। क्योंकि मेरे पास अभी पांच ही बजीज हैं, पांच ही जोड़े बजीज के हैं, तो उनके हिसाब से जो बड़ा पिंजरा सेट होता है वही मैंने सेट कर रखा है और उसी में मैंने मटकी बांधने का आप लोगों से वादा किया था। और साथ में ये भी वादा किया था कि आप लोगों को जब मटकियां बांधूंगा तो उसकी प्रोग्रेस भी बताऊंगा और कैसे मटकी बांधते हैं वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक आंख में इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए थोड़ा ये आंख में दिख ही रहा होगा आपको, आंख में प्रॉब्लम है थोड़ा, समझ सकते हैं आप लोग। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को उस प्रोग्रेस को बताना और आप लोगों से रूबरू करवाना जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो बच्चीज के जो पिंजरे में मैंने मटकियां सेट करी है वो कैसे करी है और साथ में उसको बांधने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग भी उसको कर सके, फॉलो कर सके और अपने कॉलोनी में या पिंजरे में अब मटकी को सही ढंग से बांध सके, जिससे उनको ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पिंजरे में हम मटकियों को कैसे सेट करेंगे। और आपको ये भी बता दूंगा कि पिंजरा हो या कॉलोनी में हो, उसमें के लिए मटकियों को कैसे सेट किया जाता है। तो हम चलते हैं पिंजरे की तरफ या अपने सेटअप की तरफ, जहां देखते हैं कि मटकियां कैसे बंधी हुई है और कैसे बांधना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है मेरा सेटअप, जैसा कि आपको पहले मैं वीडियो में दिखा चुका हूं। जिन भाइयों ने मेरा वीडियो, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि उस वीडियो में मैंने अपने कॉलोनी का नया सेटअप इन नए मेहमानों के लिए तैयार किया, वो कैसे किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो मटकियां सेट करी है उनको कैसे करिए, तो सबसे पहले हमें जो लेना है, सबसे पहले मैं टूल्स के बारे में बता देता हूँ। जो टूल्स हमें जो चाहिए मटकियों को बांधने के लिए, सबसे पहले हमें एक वायर चाहिए, लोहे का तार चाहिए हमें, एक प्लास चाहिए जो मटकी को बांधने में काम आएगा, एक कटर चाहिए जो लोहे के तार को काटने के लिए चाहिए हमें, जो काट सके लोहे के तार को, ये काटने का के लिए कटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें मटकी चाहिए। दोस्तों, ये मटकी मैंने बाजार से छेद की हुई परचेज करी है, ऑलरेडी कुमार के यहाँ से मुझे ये छेद करी हुई मटकी मिल गई थी, इन्होंने पहले से ही छेद कर रखा था इसलिए मेरे को छेद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिएगा दोस्तों, जब भी आप मटकी परचेज करें तो देखिएगा इसके ठीक नीचे ये छेद हो, छेद अगर नीचे की तरह इससे ज्यादा नीचे होगा तो बजीज को प्रॉब्लम होगा एक देने में और वो एग नहीं देंगे, अंडे नहीं देंगे आप, जिससे हम ब्रीडिंग भी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना है कि मटकी अगर आप बांध रहे हैं तो मटकी हिलनी नहीं चाहिए, तो तार को इस तरीके से आपको बांधना है कि मटकी हिले नहीं, मटकी लूज ना हो, तार को एकदम टाइट आपको बांधना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कि आपको ये टाइट बांधना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मटकी, तो ये छेद जिस तरफ रहेगा उसके ठीक उल्टी तरफ आपको ये तार बांधना है। ये देखिए, आप ऐसे तार को लीजिएगा, ठीक उल्टी तरफ आपको ये टाइट करना है, ये आपने बांध दिया, ये देखिए, ये अगर छेद का मुंह है, इसकी ठीक उल्टी तरफ मैंने ये तार बांधा है। इसको अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो फ्लास्क का यूज कीजिए, किंतु अगर आप यही चीज, यही तार अगर आप कॉलोनी में बांधते हैं ये यहां से बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप पिंजरे में बांधते हैं तो ये दोनों मुंह आपको खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें जो पिंजरे में आपको छेद दिख रहे हैं इनमें से आपको निकालना है, तो इसलिए आपको ये मुंह खुला रखना पड़ेगा। किंतु अगर आप कॉलोनी में बांधते हैं तो इसको आप ऐसे करके इसको बांध सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कैसे करना है। इस तरह का कॉलोनी में अगर आप दीवार पे अगर मटकी को बांध रहे हैं तो आपको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, और इसको जो आप कील वगैरह या जो भी आप लगा रहे हैं उसमें, उसके ऊपर आपको इसको सेट करके अच्छी तरह देख लेना पड़ेगा कि ये मटकी हिल तो नहीं रही। अगर मटकी हिल रही है तो नीचे दीवार से आपको दो कील लगा के इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे ये मटकी हिले नहीं। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से तो आप बांध सकते हैं कॉलोनी में जो दीवार पे आप मटकी सेट कर रहे हैं तो, और अगर आप पिंजरे में मटकी सेट कर रहे हैं तो आप इसको खोल दीजिए, क्योंकि पिंजरे में आपको इस तरीके से बांधने के लिए मुंह खुला होना जरूरी है। जब आप पिंजरे के इन तारों से निकालेंगे इनको, तब आपको ये मटकी बांधने में सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पिंजरे में मटकी कैसे बांधी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी मटकी पिंजरे में बंधी हुई है, मैंने यहाँ पर 6 मटकियां बांध रखी है, क्योंकि मेरे पास 5 जोड़े हैं बजीज के, इसके लिए मैंने 6 मटकियां बांध रखी, जिससे वो बजीज को मटकी चूज करने में कोई समस्या ना है, क्योंकि बजीज मटकी को चूज करते हैं उसके बाद ही उसमें अंडे देते हैं, इसलिए मैंने 5 जोड़े बजीज के लिए 6 मटकियां बांधी है। देखिए दोस्तों, मैंने मटकी को इस तरीके से बांधा है, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि जो तार मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से निकालने के बाद इस तार को मैंने इस पर फोल्ड कर दिया है। अब इसके फोल्ड करने से ये मटकी यहाँ पर हिल भी नहीं रही, ये हिलेगी नहीं, अगर ये हिलती है तो बजीज इसमें अंडे नहीं देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मटकी हिले नहीं। और बजीज की भी आप प्रोग्रेस देख रहे होंगे, ये काफी, जैसे आपने देख लिया ये देखिए, अभी ये लगे हुए हैं बजीज, जितने भी हैं मेरे मेहमान मटकी को सिलेक्शन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह सबसे पहले मटकी के ऊपर बैठेंगे, फिर मटकी के अंदर झांकेंगे, फिर मटकी को अंदर जाएंगे भी, फिर बाहर निकलेंगे, इनको काफी टाइम लगेगा। दोस्तों खुशी की बात यह है कि आज ही मैंने मटकी बांधी है और आज ही इनमें से एक पेयर ने मटकी सिलेक्शन भी कर लिया, बाकी पेयर कब मटकी सिलेक्शन करते हैं देखते हैं कि 2 दिन लगते हैं कि 5 दिन लगते हैं, जब भी मटकी सिलेक्शन करेंगे मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे नए मेहमानों से मिलकर आप खुश भी हुए होंगे। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप में से कोई दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और मेरे इन मेहमानों इन दोस्तों के जो अपडेट्स हैं तो आप कभी मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक आप घर पे रहें, सेफ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।